दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल का और एक वीडियो में। दोस्तों अभी जो वैकेंसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ वो निकला है उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड के तरफ से। और ये दोस्तों जो रिक्रूटमेंट है जो कोऑपरेटिव बैंक है उत्तराखंड के, यहाँ पे जो वैकेंसी है इसके ऊपर ये रिक्रूटमेंट निकला है। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रुप थ्री का रिक्रूटमेंट है जो कि क्लरिकल कॉम केसियर का है। ग्रुप टू में आपका जूनियर ब्रांच मैनेजर और ग्रुप वन में सीनियर ब्रांच मैनेजर का यहाँ पे पोस्ट खाली है। तो दोस्तों ये जो उत्तराखंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में जो बैंक सब हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून है, कोटावार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कोटवार है, और तेहरी गरवाई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, हरिद्वार कोऑपरेटिव बैंक है, उत्तरकाशी पिथौरगढ़ नेशनल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, चमोली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ये सब बैंक है। तो यहाँ पे उत्तराखंड का अंदर में जितना भी कोऑपरेटिव बैंक है सब बैंक का मिला के ये जो रिक्रूटमेंट निकला है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले देखते हैं जो आपका ग्रुप थ्री में क्लर्क कम कैशियर का पोस्ट है, जो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 305 पोस्ट है। सब जो जितना भी बैंक हैं सब बैंक मिला के टोटल यहाँ पे आपको 305 पोस्ट मिल जा रहा है। जूनियर ब्रांच मैनेजर का जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे टोटल जो मिला के आपका 104 पोस्ट है। जितना भी लोकेशन है सब लोकेशन में मिल के यहाँ पे आपको 104 पोस्ट मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो सीनियर ब्रांच मैनेजर है यहाँ पे आपका 23 पोजीशन है सीनियर ब्रांच मैनेजर का सब लोकेशन मिला के। इसके अलावा दोस्तों डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट है 10 पोस्ट है, ये टोटल जो है आपका सब लोकेशन मिला के टोटल 10 पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसका कि एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे निर्देशन कर दिया है कि दो द कैंडिडेट मस्ट हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। उत्तराखंड स्टेट का अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 42 ईयर्स। एससी एसटी के लिए 5 साल, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 साल का आपको रिलेक्शन मिल जा रहा है। एज का जब जो बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो क्लर्क कम केसियर जूनियर ब्रांच मैनेजर सीनियर ब्रांच मैनेजर बोला है यहाँ पे आपको डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आप ग्रेजुएट पास किए हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क इतना कुछ नहीं बोला है, तो एनी कुछ भी मार्क आप लाए हैं, आप ग्रेजुएशन अगर आप कंप्लीट है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो डिप्टी जनरल मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और यहाँ पे स्पेशली बोल दिया कि ग्रेजुएट डिग्री जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स वन ऑफ द सब्जेक्ट आप किए हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए अगर आपका है तो आपको प्रिफरेंस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एमबीए के अलावा अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है जो कि फाइनेंस रिलेटेड जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हुआ या फिर आप एमए इकोनॉमिक्स किए होंगे या फिर उस टाइप का कुछ सब्जेक्ट भी किए हैं तो भी आपको यहाँ पर जो प्रिफरेंस है आपको मिल रहा है। इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है आपको ऑनलाइन में ही इसका अप्लाई करना पड़ेगा, इसका एप्लीकेशन का जो पोस्ट है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे बोल दिया है कि जो क्लर्क केसियर के लिए आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क का यहाँ पे है, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर नॉलेज, और जूनियर मैनेजर के लिए भी वही सब है 200 क्वेश्चन 200 मार्क है। सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए आपका क्वान्टिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर नॉलेज, और डिप्टी मैनेजर के लिए जो जनरल मैनेजर है फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वान्टिटी एप्टीट्यूड रीजनल जो रीजनिंग ये सब है। तो मोटा मोटी जो इसका जो सब्जेक्ट का जो है सिलेबस है सब यहाँ पे सेम है। अच्छा इसको जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट में हरिद्वार रोड की देहरादून हडवाई हल्द्वानी यहाँ पे है, और सेंटर इन उत्तराखंड स्टेट में न्यू दिल्ली चंडीगढ़ बरेली अमिया जो यमुना नगर में भी आपको यहाँ पे सेंटर मिल जा रहा है। अच्छा यहाँ पे उसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका जो यहाँ पे बोला है कि जो डॉक्यूमेंट आप माने सबमिट करेंगे आपका ये होने के बाद जो आपका जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद ही आपका मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर। 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, 20 मार्च को इसका ख़त्म हो रहा है एप्लीकेशन का जो प्रोसेस। ऑनलाइन में अप्लाई करना है, ऑनलाइन में फीस भी पेमेंट करना है 750 रुपया है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, उधर जो है आपका 1000 रुपीज़ का एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे है। इसको अप्लाई करना है आपको जाना है इसका वेबसाइट www.ukcooperative.in में जाके, यहाँ पे जो उसका रिक्रूटमेंट साइट है वहाँ पे जाके आपको इसको ऑनलाइन में ही अप्लाई करना है। तो दोस्तों यही है इसका क्वालिफिकेशन और आपका जो
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चेक कर लीजिए, अगर इंटरेस्टेड है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक का जो सैलरी है दोस्तों, आपको अगर कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू जो स्टेट लेवल का जो यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके नज़दीक ही रहता है। यहाँ पे थोड़ा एचआरए जो होता है, एचआरए का जो थोड़ा ये है जो पे है थोड़ा कम रहता है, लेकिन सैलरी आपको मोटा मोटी सेम मिल जाएगा, सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर इंटरेस्टेड है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।